कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बहुत अच्छे हैं। तो आज है फ्राइडे, तो ये मेरी वीडियो बहुत लेट आ रही है मुझे पता है, लेकिन ये फ्राइडे की वीडियो है। तो यहाँ मेरी आलिया हो गई है नहा धो के तैयार, तो आज हमारी जाने की तैयारी हो रही थी। आलिया ये सैंडल मत पहनो, फ्लैट वाली पहनो। नहीं ये नहीं, फ्लैट पहनो। ये देखो नहीं करता, यही है बस गंदे करने वाला। ये देखो कैसा पड़ा है, ये मैडम दी हो गई थी। तो खाना वगैरह खा के हम लोग निकल गए थे तैयार व्यार होके। तो हम बच्चे और मैं ही जा रहे थे बस, तो हम जा रहे थे, मैं अपने घर जा रही थी बच्चों को लेके, बच्चों आना था नानी के घर। तो कितने दिन से अब छुट्टियां तो पड़ी हुई थी उस वक्त में, वो उस हफ्ते में, तो बच्चों को लग रही थी जाने की कि चलो हमें कहीं लेके चलो। तो कहीं का मतलब बस यही होता है बच्चों का, या तो कहीं बाहर लेके जाओ या फिर नानी के लेके चलो। तो बस फिर मैं उनको उनके वहीं ले गई थी, अपनी उनकी नानी के यहाँ पर, मतलब अपने घर ले गई थी। तो यहाँ बच्चे हम सब जा रहे थे अपने रास्ते में थोड़ा सा इंजॉय करते वैसे ही। तो फेस कह रहा था चलो वीडियो बनाते हैं थोड़ी सी, तो हम लोग वीडियो बनाने लग गए थे। तो बस हम पहुँच गए थे अपने घर पे। तो ये मेरी भाभी का रूम है, तो यहाँ भाभी के रूम में बच्चे सब बैठे हुए थे, ये मेरी भतीजी भतीजे सब। तो अगला दिन हो गया था, ये देखो मैडम सुबह इसकी हुई नहीं थी अभी, ऐसी नींद में हो रही थी क्योंकि हम रात में रुके थे वहाँ पर, हम दो दिन रहे थे घर पर। तो दो दिन में मतलब मुझे जाना तो नहीं था लेकिन रुकना नहीं था, लेकिन फिर भी ये था कि बारिश इतनी शुरू हो गई वहाँ पर जाने के बाद में, दो दिन हम रहे, दो दिन इतनी तेज़ वहाँ बारिश हुई है, तो बारिश की वजह से फिर हम वहीं रुक गए। ये फेज उठा था सो के, नींद में हो रहा था ये भी। तो फिर उसके बाद अम्मी के साथ मैं गई थी जामा मस्जिद, तो क्योंकि अम्मी को जाना था किसी काम से, तो अम्मी मुझे भी साथ ले गई थी। तो मैंने सोचा चलो थोड़ा सा जामा मस्जिद की भी वीडियो बना लेती हूँ वहाँ पर। अब जो वहाँ आसपास में रहते हैं उन लोगों को तो पता है, नहीं भी देखी होगी दूर वाले लोगों ने। तो मैंने सोचा चलो अपने व्यूवर्स के लिए, उनके लिए थोड़ी सी जामा मस्जिद की वीडियो बनाती हूँ। लेकिन बारिश इस कदर थी, तो थोड़ा सा बारिश जब बंद हो गई थी तब मैंने वीडियो बनाई थी। तो ये मेरे यहाँ पर हम आ गए थे शाम में, तो यहाँ ये मेरे भतीजी भतीजे सब थे यहाँ पर। ये देखो ये मेरे भाई के बच्चे हैं, मतलब माशाल्लाह मेरे चार भाई हैं, तो उनके बच्चे हैं सब, किसी के दो बेटे हैं, किसी के एक है, किसी के दो, ऐसे करके। तो ये सब, और संडे का दिन हो गया था, तो संडे में ये मज़े से आराम से सब बैठे हुए थे। ये मेरा बड़ा भतीजा है, ये फेज़ के साथ का है, तो सब ये लोग ऐसे ही बस मस्ती कर रहे थे। दो दिन में से हमारे पता ही नहीं चला कहाँ चले गए। ये देखो हमारी गली में इस कदर कीचड़ हो रही थी। फिर हम आ गए थे वहाँ से, घर से बस शाम के उसी टाइम में फिर हम आ गए थे वहाँ से, क्योंकि बहुत बारिश तो बंद हो चुकी थी, फिर घर में भी आना था, बच्चों के स्कूल भी खुल चुके थे। तो वहाँ से मैं ये सब लाइट वगैरह लेकर आई थी, तो ये सब कर रहे थे हम डेकोरेशन घर आकर। तो ये जनाब करा रहे थे हमारे साथ में डेकोरेशन, कह रहे थे लाओ मैं लगाता हूँ इन्हें सही से करके, क्योंकि मुझसे तो लग भी नहीं पाती सही से, तो इन्होंने ही लगाई थी। तो पहले हम देख रहे थे कि कैसी लगेंगी, और देखो माशाल्लाह कितनी अच्छी लग रही है दीवार मेरी। तो आप मुझे कमेंट्स में बताना कैसी लग रही हैं हमारे घर की लाइटें वगैरह, कैसी लग रही है हमारी डेकोरेशन, अच्छी लगी है ख़राब। और बहुत सस्ते में हो हमारी ये मिल गई थी हमें लाइटें। तो ये देखो बच्चे बेचारे थक चुके थे, तो बच्चे आके सो गए थे क्योंकि बहुत ज़्यादा ही थक गए थे बच्चे। एक मैं ये भी लेके आई थी जब वहाँ गई थी जामा मस्जिद, तो जामा मस्जिद से मैं ये कलमे वाली पेंटिंग लेके आई थी, तो अच्छी लग रही थी ये मुझे बहुत ज़्यादा। तो हो चुकी थी शाम, शाम के टाइम बन रही थी मेरी शाम की चाय। तो ये जनाब मुझसे बोल रहे थे कि चाय के साथ कुछ अच्छा सा हो जाए, क्योंकि मौसम तो हो ही रहा था ऐसा, बारिश तो हो भी रही थी, और वैसे भी बरसात के मौसम में पकोड़े अच्छे लगते हैं चाय के साथ। तो बस मैं यहाँ पे आलू के पकोड़े बना रही थी चाय के साथ में, और इन्जॉय कर रहे थे हम अपनी चाय और पकौड़े। तो आ जाइए आप भी हमारे साथ चाय पीने के लिए। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ मुझे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट्स कीजिए, दुआओं में याद रखिएगा। तो मिलते हैं फिर अगले व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।